आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, क्या सच में भगवान की पूजा करने से, भगवान का मंत्र जाप करने से, भगवान को भोग चढ़ाने से क्या सच में भगवान प्रसन्न होते हैं, क्या भगवान की पूजा करना सही है या गलत है, इसके ही बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप पूरा प्लीज़ देखें, क्योंकि दोस्तों आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्वप्निल और आप देख रहे हैं आपका ही यूट्यूब चैनल ऑल इन्फो अपडेट। आचार्य चाणक्य अपने चाणक्य नीति ग्रंथ में ऐसा बोलते हैं कि जो मनुष्य अपने पूरे जिंदगी में कभी भी लोगों के बीच में भेदभाव नहीं करता है, जो मनुष्य सभी लोगों को समान नज़रों से देखता है, जो मनुष्य अपने पूरे जिंदगी में कभी भी पराई औरत को गंदी नज़र से नहीं देखता है, जो मनुष्य कभी भी अपना अहंकार नहीं दिखाता है, जो मनुष्य हमेशा सत्य बोलता है, जो मनुष्य कभी भी लालची नहीं होता है, जो मनुष्य हमेशा लोगों का अच्छा करता है, तो ऐसा मनुष्य अगर भगवान की पूजा करे या फिर ना करे, ऐसा मनुष्य भगवान को भोग चढ़ाए या फिर ना चढ़ाए, परंतु ऐसे मनुष्य के सर पर भगवान का आशीर्वाद हमेशा रहता है। पर अगर कोई ब्राह्मण पराई औरत को गंदी नज़र से देखता है, जो ब्राह्मण लोगों के बीच में भेदभाव करता है, जो ब्राह्मण अपना अहंकार दिखाता है, जो ब्राह्मण हमेशा झूठ बोलता है, तो ऐसा ब्राह्मण चाहे दिन में कितने भी बार भगवान की पूजा करे या फिर भगवान को भोग चढ़ाए, ऐसे ब्राह्मण के ऊपर भगवान कभी भी प्रसन्न नहीं होते हैं और ऐसे ब्राह्मण के ऊपर भगवान का आशीर्वाद बिल्कुल भी नहीं होता है। तो दोस्तों इससे आपको क्या सीख मिलती है कि आप अगर भगवान की पूजा करें या फिर ना करें, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान पूजा से और मंत्र जाप से या फिर भोग चढ़ाने से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? जो मनुष्य अपने पूरे जिंदगी में अच्छा काम करता है, उसके ही ऊपर भगवान का आशीर्वाद रहता है। तो दोस्तों मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा कि आप भगवान की पूजा करने से अच्छा लोगों का अच्छा करो। अगर आप लोगों का अच्छा करोगे, आप लोगों के बीच में एकता निर्माण करोगे, तो आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर भगवान का आशीर्वाद हमेशा रहेगा।